बिहार में मॉनसून के फिर से एक्टिव होने के बाद राज्य के करीब सभी जिलों में हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश हो रही है। लगातार मौसम विभाग की तरफ से बारिश और वज्रपात को लेकर लोगों को अलर्ट किया जा रहा है। एक बार फिर से मौसम विभाग ने राज्यों के कुछ जिलों में बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के मुताबिक राज्य के कुछ जिलों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। इस दौरान मेघ गर्जन और वज्रपात की प्रबल संभावना है। ऐसे में लोगों को बारिश के दौरान सचेत रहने को कहा गया है। इसके साथ ही साथ मौसम विभाग ने लोगों से अपील की है कि बारिश के दौरान वो आपदा प्रबंधन विभाग की तरफ से जारी निर्देशों का पालन करें। मौसम विभाग ने समस्तीपुर, वैशाली, पटना, औरंगाबाद, नालंदा, नवादा, शेखपुरा, लखीसराय, दरभंगा, बेगूसराय, जहानाबाद, गया, पूर्वी चंपारण समेत कुछ अन्य जिलों में मेघ गर्जन और वज्रपात के साथ हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना जताई है और इसको लेकर येलो अलर्ट भी जारी किया है। IMD ने बारिश के दौरान लोगों से सचेत और सतर्क रहने की अपील की है। बता दें कि बिहार में मॉनसून एक बार फिर से एक्टिव हो गया है। रुक रुक कर हो रही बारिश से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। हालांकि कहीं कहीं उमस भरी गर्मी से अब भी लोग परेशान हैं और अच्छी बारिश का इंतज़ार कर रहे हैं। मंगलवार को पटना समेत प्रदेश में मॉनसून की गतिविधियां तेज होने की संभावना है। इस दौरान राज्य के अधिकतर जिलों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। लगातार 18 तारीख से मॉनसून एक्टिव नज़र आ रहा है। बिहार के कई सारे हिस्सों में कल भी बारिश हुई है, आज भी बारिश होने की संभावना जताई गई है और इससे पहले 18 तारीख को भी काफ़ी जगहों पर खूब बारिश हुई थी। लेकिन अगर राजधानी पटना की बात करें तो राजधानी पटना में आज का मौसम बहुत बारिश जैसा नहीं लगता है। आज धूप निकल चुका है, सुबह 6 बजे से ही सूर्योदय हुआ और उसके बाद तापमान बढ़ता दिखाई दिया है। लोग काफ़ी ज़्यादा गर्मी का अनुभव कर रहे हैं, लेकिन मौसम विज्ञान केंद्र पटना के मुताबिक लोगों को कहा गया है कि राजधानी पटना में भी आज बारिश हो सकती है। हालांकि अभी के मौसम को देखते हुए ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि बारिश होगी, लेकिन मौसम विज्ञान केंद्र ने काफ़ी सारे जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है, जिसमें समस्तीपुर, वैशाली, पटना भी शामिल है। औरंगाबाद, नालंदा, नवादा, शेखपुरा, लखीसराय, दरभंगा, बेगूसराय, जहानाबाद, गया, पूर्वी चंपारण समेत कुछ अन्य जिलों में भी मेघ गर्जन और वज्रपात के साथ हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना जताई गई है। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों एवं अभिभावकों के बीच सर्वाधिक विश्वसनीय एवं लोकप्रिय संस्थान गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। हमारा विश्वास गोल के साथ।